इसे फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया वेब सीरीज़ के लिए। आज ही हाल फिलहाल में एक दो दिन में ही छोड़ने वाले थे, पटना छोड़ने वाले थे, लेकिन पटना छोड़ नहीं वाले थे तब। आज रात का चावल थोड़ा सा रह गया था तो उसी को भी भूज के उसी को भी खाएंगे। देखिए, कुछ दिन पहले हम आप लोग को बताया थे कि हम एक ऑडिशन देने गए थे, तो फाइनली एक बहुत ही गुड न्यूज़ है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी कि आज वहाँ से मुझे कॉल आया है और मैसेज भी आया है व्हाट्सएप पे कि इसे फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया वेब सीरीज़ के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है अब जाके। तो चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही सलामत होंगे, मस्त होंगे जहाँ भी होंगे। तो चलिए अब चांस तो मिला है देखिए काम करने का। अब देखिए अब ऐसा जो है ना एक और आया था मैसेज कि हम लोग का जो भी मतलब कैरेक्टर रहेगा उससे रिलेटेड जो है ना एक दिन पटना में ही मीटिंग होने वाला है और फिर वहाँ पे सबको स्क्रिप्ट दिया जाएगा और उसके बारे में जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना चर्चा होगा। ठीक है, तो अभी इंतज़ार है ठीक है कि कब जाते हैं और कब चांस मिलता है और कब रिलीज होता है। सारा अपडेट हम आप लोगों को देते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है ना, ठीक है, फिर देखते हैं कि आज क्या कुछ खास करते हैं, क्या कुछ खास होने वाला है। अभी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है, तो रात में जो चावल बनाए थे ना तो उसमें से थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, ये देखिए रात का चावल थोड़ा सा रह गया था तो उसी को भी भूज के उसी को भी खाएंगे। देखिए ये उसी को भूज के खा लेते हैं, खाना बनाने का मन नहीं करता है। ठीक है, और ये मेरा हाल नहीं है, ये सबका हाल ऐसा ही है। किसी स्टूडेंट को जो है ना खाना बना के खाने का मन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन मजबूरी है, घर पर तो है नहीं। ठीक है ना, मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। देखिए होना रहता है ना तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसी को कोइंसिडेंस बोलते हैं। कोइंसिडेंस हमारे साथ क्या हुआ हम बता रहे हैं। देखिए हम जब यहाँ पे आए थे पटना में तो सोचे थे कि ऑडिशन देंगे, लेकिन एक दिन ऐसे ही अचानक से जगे और अचानक से एक दोस्त का मैसेज आया कि आज ऑडिशन है और बिना कोई स्क्रिप्ट के हम गए वहाँ पर अपना ऑडिशन दिए और फिर उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये आया था कि हाँ मतलब होने का चांस जो है ना लग रहा था। फिर ऑडिशन दे के आए, उसके बाद फिर मतलब कुछ दिन इंतज़ार किए कि अब रिज़ल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो अभी हम एक दो दिन में आज ही हाल फिलहाल में एक दो दिन में ही छोड़ने वाले थे पटना छोड़ने वाले थे लेकिन पटना छोड़ नहीं वाले थे तब आज जो है ना आया है मैसेज कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो यही सब कोइंसिडेंस होता है। अब देखिए अब कब पटना में हो रहा है मीटिंग और कब स्क्रिप्ट का डिस्कशन होगा, फिर उसी के हिसाब से किया जाएगा काम सब। अब फिलहाल तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मतलब अंदर से एक्साइटमेंट है कि हाँ फर्स्ट टाइम किसी प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलेगा। अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं अभी और।